हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट कर बताइएगा। अब यहाँ पर हम लोग आज भी दीदी के यहाँ पर आए हैं। यहाँ देखिए सब लोग तैयार हो रहे हैं। जो प्रियंका दीदी और मयंका दीदी है ना, उनने पार्लर वालों को घर पर ही बुला लिया था ताकि सभी रेडी हो जाए। यहाँ पर ये दीदी खड़ी हुई हो गई हैं तैयार। मैं भी यहाँ पर नीचे आ गई हूँ। ये देखिए यहाँ पर दीदी जीजा जी को चीकट चढ़ रही है। जब मायके वाले जो रहते हैं वो सब लोग चीकट चढ़ाते हैं। चीकट यानी कपड़े होते हैं जो दीदी जीजा जी और उनकी फैमिली वालों को दी जाते हैं। लेकिन है ना, यहाँ पर अब मैं रेडी हो रही हूँ। ये देखिए पार्लर वाली दीदी मेरे को तैयार कर रही हैं। ये मेरा फाइनल लुक। ये दीदी को मंझली वाली सिस्टर ये भी तैयार होकर आ गई हैं। मेरे से पूछ रही भाभी मामी मैं कैसी लग रही हूँ। दीदी पार्लर से आ गई हैं। ये देखिए अब हम लोग गार्डन गए हैं। गार्डन में दीदी को लेकर जा रहे हैं। जब दूल्हे की एंट्री होती है तो दुल्हन उनको चावल मारने जाती है। तो सिर्फ़ एक छोटी सी रस्म होती है। ये देखिए यहाँ पर चावल मारने की रस्म चल रही है। यहाँ पर अब हम दीदी को रिटर्न लेकर जा रहे हैं। रिलेशन में ये मेरी भांजी हैं और वो मेरे दामाद जी हैं। ये देखिए इन बच्चों को। ये मेरा बेटा बहुत इंजॉय किया, इसने पूरे टाइम डांस करता रहा। ये पापा जी इसके साथ खड़े हैं और देख रहे हैं। यहाँ पर दूल्हे राजा जी की एंट्री हो गई है। हमारे यहाँ की एक रस्म है छोटी सी। ये दूल्हे राजा जी जो रहते हैं वो उनके साले उनको या मामा जी उनको उतारते हैं। यहाँ पर बारातियों का माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए गले मिल रही हैं। ये प्रियंका दीदी की सासू माँ हैं। यहाँ पर अब हम दीदी को स्टेज पर लेकर जा रहे हैं सब। आप कमेंट कर बताइएगा ज़रूर कि आपको दुल्हन का मेकअप कैसा लगा और वो कैसी लग रही थी। यहाँ पर वरमाला पहनाने की रस्म होगी। ये देखिए दूल्हे राजा जी चले गए हैं। अब दुल्हन की एंट्री होगी। प्रियंका दीदी ने गगन जी को माला पहना दी है। अब गगन जी प्रियंका दीदी को माला पहना रहे हैं। ये मोमेंट कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर सब अपनी शादी का एंजॉय करते हैं। ये देखिए वरमाला हो गई है। अब वापस स्टेज पर आ रहे हैं। हम लोग भी फ़ोटो शूट कराने के लिए स्टेज पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर प्रियंका दीदी गगन जी से हमारा इंट्रोड्यूस करा रही हैं। यहाँ पर मैं गगन जी से जीजा जी बोल दिया है। वैसे मैं रिलेशन में इनकी मामी हूँ, ये मेरे दामाद जी हुए, बट मैं बार बार इनसे जीजा जी बोले जा रही थी। तो दीदी को हंसी आ रही थी कि ये मामी आपके दामाद हैं, जीजा जी नहीं है। ये हम लोग वापस जा रहे हैं अब।
यहाँ पर दीदी फेरे और कन्यादान के लिए तैयार हो गई हैं। ये देखिए दीदी के भामरे पड़ रही हैं। थोड़े से दीदी के यहाँ के रीति रिवाज कुछ अलग थे। सारी जगह रीति रिवाजों में कुछ ना कुछ तो फर्क रहते ही है, बट अच्छा लगा दीदी के यहाँ के रीति रिवाज देखकर। यहाँ पर जो पंडित जी हैं अब वो सात फेरों का अर्थ समझाएंगे, चलिए आप भी सुन लीजिए। ऋषियों ने जब माता पार्वती से कहा कि देवी अब आप भगवान भोलेनाथ के बाबा में जाकर के विराजमान हो, उस समय पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से सात वचन दिए। यहाँ एक मुखे ऊजे विपरे चत्वारि माय पंच पशुभ्यः सप्त सखिभ्यः, हे स्वामी आज से मैं आपकी अर्धांगनी हो गई, इसलिए आप मेरी इन बातों पर ध्यान रखें। यज्ञ हवन व्रत इत्यादि जो भी करते हैं वो ये देखिए दोनों ऐसे मिली है, अब इनकी विदा होने वाली है। अब प्रियंका दीदी की विदाई होने जा रही है। ये मोमेंट कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर सब इमोशनल हो जाते हैं, सभी के आंखों में आंसू होते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरी शादी नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें से कुछ कुछ मोमेंट निकालकर आपके साथ शेयर किए हैं। प्लीज़ अगर आपको शादी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आपको शादी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।